श्री पूर्ण प्रताप जी डीग भरतपुर। श्री प्रताप सिंह जी भरतपुर के अंतर्गत किसी बड़े ठिकाने के राजकुमार थे। वे बड़े धर्मानुरागी और विवेकशील थे। एक बार वे भरतपुर नरेश और अरवल के राव प्रताप सिंह जी के साथ दिल्ली गए। उन्होंने संत शिरोमणि श्री चरणदास जी महाराज की ख्याति सुन रखी थी, जो उस समय दिल्ली में रहते थे। तो वे उनके दर्शन करने गए। चरणदास जी महाराज को उनके भीतर छिपे एक महान संत को पहचानने में देर न लगी। उन्होंने उन्हें इस जगत के किसी एक ठिकाने के राजकुमार के रूप में नहीं, अंतर जगत के एक शक्तिशाली एक छत्र राजा के रूप में देखा, जो सत के अचल सिंहासन पर विराजमान था, जिसके दाएं बाएं मुक्तियां खड़ी हुई थी, जिसने भक्ति के झंडे के साथ पुण्य का नगाड़ा बजाते हुए दया धर्म की फौज से चढ़ाई कर काया नगर को जीत लिया था, काम क्रोध लोभ मोह अभिमान जैसे शत्रुओं को वहां से भगाया था, वैराग्य संयम साधन आदि को ला बसाया था, और जो निर्भय निश्चल रूप से वहां राज कर रहा था। उस एक छत्र राजा को उद्भुत करने के लिए उन्होंने अपने ही इस पद का गान किया, जो नर इच्छत भूख हावे सत सिंहासन ऊपर बैठे यत ही चंवर ढुरावे, दया धर्म दो भोज महाले भक्ति निशान चलावे, पुण्य नगारा नौबत बाजे दुर्जन सकल हलावे। वह राजा सो यह विधि जाने काया नगर जीती वो ठाने, काम क्रोध दो बल के पूरे मोह लोभ अति सावत सूरे, बल अपनो अभिमान दिखावे इनको मारी राह गढ़धावे, अचल सिंहासन जब तू पावे मुक्ति खवासी चंवर ढुरावे, आठों सिद्धि जहां कर जोरे सो ही ताके मुख नहीं मोरे। यह सुन के पूर्ण प्रताप जी को विवेक का उद्दीप्त हुआ। उन्होंने अपने ठिकाने के राज्य का लोभ छोड़ करके उस एक छत्र राज्य को प्राप्त करने का निश्चय किया। चरणदास महाराज से दीक्षा ले वैराग्य वेश धारण किया और उन्हीं की सेवा के उद्देश्य से उनके आश्रम में रह गए। दीक्षा के उपरांत चरणदास जी ने उनका नाम रखा पूर्ण प्रताप। मानो अभी तक उनका प्रताप अपूर्ण था, अब पूर्ण हो गया। एक ही क्षण में उनमें इतना बड़ा परिवर्तन देखकर भरतपुर नरेश और राव प्रताप सिंह जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उनके कहने सुनने और समझाने बुझाने का उन पर कोई असर ना हुआ। कौन जाने यह चरणदास महाराज की कृपा शक्ति का कमाल था, या पूर्ण प्रताप जी के विवेक का, या दोनों का। पूर्ण प्रताप जी तन मन से गुरु की सेवा करने लगे। उन्होंने अपने गुरुदेव को ही गुरु भक्ति का आदर्श माना। विक्रम संवत 1824 में पूर्ण प्रताप जी भरतपुर नरेश रतन सिंह जी के आग्रह और गुरु की आज्ञा से भरतपुर जाके रहने लगे। रतन सिंह जी और उनके सेवक उनकी सेवा में तत्पर रहते। पूर्ण प्रताप जी साधु सेवा में तत्पर रहते। वृंदावन जाते हुए संतों के लिए उनके आश्रम का द्वार खुला रहता। उनके सत्कार में भोज भंडारे उनके यहाँ लगे ही रहते, पर वे उनकी सेवा के लिए राज्य द्रव ग्रहण न करते। भरतपुर के गोविंद राय नाम के एक बनिए से सामान उधार ला के संतों की सेवा कर देते। अयाचक वृत्ति से रहते। जो धन अपने आप उनके पास आया था उससे हर 6 महीने बाद बनिए का कर्ज चुका देते। एक बार अधिक संत आ गए, खर्चा अधिक हो गया, बनिए के पूरे रुपए न चुका सके, 125 देना बाकी रह गया। दूसरी बार जब संत आए, उन्होंने बनिए से सामान उधार मांगा, तब उसने पहले का कर्ज चुकाए बगैर देने को मना कर दिया। पूर्ण प्रताप जी बड़ी चिंता में पड़ गए। किसी के मांगने का उनका नियम था नहीं। प्रतीक्षा करते रहे कहीं से कुछ आ जाए। प्रतीक्षा करते करते आधी रात बीत गई। साधुओं को भूखा देख के उनको असह्य वेदना होने लगी। अंतर्यामी गुरुदेव तो शिष्य के सुख में सुखी दुख में दुखी रहते हैं, उन्हें भी पीड़ा होने लगी। उनसे न रहा गया। तब उन्होंने पूर्ण प्रताप का वेश बनाया और धन लेकर गए बनिए के पास, उसका सारा कर्जा चुका दिया और संतों के लिए जो सामग्री लेनी थी उसके मुंह मांगे पैसे दे दिए। इस बार पिछले कर्ज के साथ नई सामग्री के मनचाहे पैसे नगद मिल जाने से बनिया बहुत प्रसन्न हुआ। पूर्ण प्रताप
रूपी चरणराज जी जब सामग्री भेज देने की बात कहकर जाने लगे तो उसने कहा, महाराज अब आधी रात बीत चुकी है, साधु बहुत भूखे होंगे, आप कब भोजन बनाएंगे? मेरी लड़की के ब्याह के लिए बना हुआ पकवान तैयार है, आप चले, मैं उसी को लेकर आता हूँ। चरणदास जी ने कहा, ठीक है शीघ्र ले आना, और चले गए। बनिया ने जल्दी जल्दी टोकरी में पकवान सजाया और लेकर पूर्ण प्रताप जी के आश्रम पहुँच गए। टोकरी सामने रख के बोला, महाराज सामग्री आके संतों की सेवा करें। पूर्ण प्रताप जी ने आश्चर्य बनिए की ओर देखते हुए कहा, कैसी सामग्री, हम सब भूखे रह लेंगे पर अब तुम्हारा कर्जा चुकाए बगैर तुमसे सामग्री नहीं लेंगे। महाराज क्यों उपहास कर रहे हो, उपहास का समय नहीं है, संत भूखे बैठे हैं, शीघ्र परिवेशन आरंभ करो, नहीं तो मुझको आज्ञा दो मैं परिवेशन कर दूँ। नहीं 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 नहीं, आप अपनी सामग्री ले जाओ। महाराज आपको क्या हो गया, पहले तो कभी ऐसा उपहास किया नहीं, अभी कर्जा चुका कर आए, इस सामग्री के भी पैसे देकर आए, आप कह रहे हो सामग्री ले जाओ, क्या कौन चुका कर आया? पूर्ण प्रताप जी ने आश्चर्य से उसकी ओर देखते हुए कहा, आप ही महाराज और कौन? बनिए ने भी आश्चर्यपूर्वक मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, नहीं मैं समझ गया तुम्हारा मतलब, अब सामग्री दे जाओगे कल सुबह फिर पैसे मांगने आ जाओगे, मैं कहाँ से लाऊंगा? बनिए ने हंसते हुए कहा, अच्छा महाराज अब मैं समझ गया, आपको पर मेरे ऊपर विश्वास नहीं रहा, आप चाहते हो कि मैं भरपाई की रसीद लिख कर दे दूँ जिससे फिर झूठा तकाजा ना कर सकूँ, तो लीजिए मैं फारकती लिख के देता हूँ। इतना कह के बनिए ने फारकती लिख कर पर्चा सामने रख दिया। पूर्ण प्रताप जी को विश्वास हो गया कि कर्ज सचमुच चुका दिया गया है, लोभी बनिया क्या बिना कर्ज चुकता कि ये फारकती लिख देता? उन्हें यह भी समझते दे न कि कर किसने चुकाया और कैसे चुकाया, उसके नेत्र डबगबा आए। भाव संवरण करते हुए उन्होंने सामग्री लेकर बनियों को विदा किया और संत सेवा में जुट गए। धन्य पूर्ण प्रताप, धनी पूर्ण प्रताप जो राज छाड़ी भय संत, तिन हित मोदी को दई मोहरे श्री भगवंत। इस घटना के बाद पूर्ण प्रताप जी की भरतपुर में एक सिद्ध महात्मा के रूप में प्रसिद्धि हो गई, इसलिए वे भरतपुर छोड़कर डीक चले गए, डीक में ही अंत तक रहे। वे सखी भाव से राधा कृष्ण के अष्टकालीन लीला का चिंतन करते, हरिनाम का जप करते, हर बसंत पंचमी को गुरुदेव के दर्शन करने दिल्ली जाते, हर राधा अष्टमी को राधा रानी के दर्शन करने बरसाने जाते। एक बार बरसाने जाते समय वो रात्रि में पथ भूल गए, मार्ग में कोई नव दंपत्ति मिले, उन्होंने कहा, बाबा तू पथनाए जाने का, हमारे साथ चल। बाबा इनके साथ हो लिए। कुछ ही क्षण बाद नव वधु ने कहा, बाबा इतकु चले जा, सामने श्री जी को मंदिर है। कहते ही दोनों अंतर्ध्यान हो गए। पूर्ण प्रताप जी को आश्चर्य हुआ कि इतनी जल्दी बरसाने कैसे जा पहुँचे। उन्होंने जान लिया कि करुणा में राधा रानी की कृपा से ऐसा हुआ है। वे स्वयं आई छद्मवेश में लालजी के साथ उनको बरसाने पहुंचा गई, तभी से उनकी विरह वेदना दूरी हो गई और उन्होंने इस विरह वेदना में एक पद की रचना करी, उस प्रकार है, अहो लड़ेती लाडली विनती सुन लीजिए, विरह विकल भई बावरी मोहि दर्शन दीजिए, करुणा सिंधु कृपाल हो यह सुहज बनीजे, तुम बिन मोह से दीन पर कहो कौन द्रविजे, आन ठोर जाऊँ कहाँ मेरो मन न पतीजे, वास वृंदावन दीजिए यह तन नित छीजे, रसिक संग आनंद नित उर्भाव भरीजे, तब जस गाँव पुलिकुर अश्वनी जल भीजे, कुंज महल को टहल दे परिकर में वरीजे, पूर्ण प्रताप को स्वामिनी चरणदासी कीजे। विरह में उनका अन्न जल छूट गया, तीन दिन हो गए निराहार रहते रहते, और विरह में रोते रोते तब प्रिया प्रीतम ने उनको फिर से दर्शन दिए। बोलिए श्री पूर्ण प्रताप सिंह जी की जय, श्री चरणदास जी की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे श्याम।